हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका रीजनल सेंटर लखनऊ हुआ है एंड आप जो है अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं ऑनलाइन, सो आप जो है वो किस तरह से कर पाएंगे, क्या क्या कौन से आपकी आपको ईमेल एड्रेस पे जो उनको अपने असाइनमेंट को जो है मेल करना होगा एंड क्या क्या डिटेल्स होने वाले हैं, किस तरह से आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो करना होगा। एंड ये बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका भी रीजनल सेंटर लखनऊ में है। तो अगर आपका रीजनल सेंटर लखनऊ में नहीं है तो ये वीडियो जो है आपके लिए नहीं है। मैंने अपने चैनल पे जो है अदर रीजनल सेंटर्स के लिए भी वीडियोस बनाई हुई है, सो मेक श्योर आप उनको जो है जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आपका रीजनल सेंटर लखनऊ नहीं है तो। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप जो है किसी और अदर वेबसाइट से असाइनमेंट परचेज करके पीडीएफ की फॉर्म में उसे सबमिट करते हैं ईमेल के थ्रू अपने रीजनल सेंटर में, सो इसमें जो है आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए अभी के लिए जो है आपका COVID-19 के चलते रीजनल सेंटर वगैरह सब बंद हो चुके हैं, लॉकडाउन के चलते आपको जो है ईमेल पे ऑनलाइन आप अपने असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं, बट जब भी लॉकडाउन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर मान लीजिए आपके जो है रीजनल सेंटर या फिर सर्विस सेंटर ने बोला कि आपको अब जो है जिनसे भी आपने असाइनमेंट ईमेल पे सबमिट किए थे उसकी जो है हार्ड कॉपीज आपको सबमिट करानी पड़ जाए, सो इस चक्कर में जो है आपका ही लॉस है अगर आप कहीं से भी ऑनलाइन अपने असाइनमेंट जो है परचेज करके उसे पीडीएफ में पूरी की पूरी परचेज करके अगर उसे जो है ईमेल पे सेंड करते हैं। सो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, अपने खुद के जो है असाइनमेंट बनाइएगा, खुद ही लिखिएगा एंड उसकी जो हार्ड कॉपीज को जरूर संभाल के रखिएगा, बिकॉज इग्नू को आगे कुछ नहीं पता, वो आगे चल के आपसे अगर उसने हार्ड कॉपीज की जो है रिक्वायरमेंट कर ली कि आपको जो दोबारा से अपनी हार्ड कॉपी जो है सबमिट करानी होगी, सो आप सभी के लिए जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड साथ ही आप सभी को एक चीज और बता दूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछे थे कि जब भी वो अपना ईमेल पे असाइनमेंट जो है सबमिट करेंगे सो उनके पास कोई रिसिप्ट वगैरह है, कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि नहीं, सो इस बात का इग्नू में कोई अपडेट नहीं है। जितने भी नोटिस है सब में कुछ नहीं लिखा है कि आपको जो है कोई भी कंफर्मेशन ईमेल आएगा या फिर नहीं आएगा। सो जब भी आप ईमेल करेंगे सो आप एक ही ईमेल कीजिएगा, एक ही बारी कीजिएगा अपने एक ही कोर्स के लिए, जो भी आपको जिसका भी आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर रहे होंगे वो करने के बाद जो है आप कोई भी वेट मत कीजिएगा कि आपको जो है कोई भी कंफर्मेशन ईमेल वगैरह आएगा या फिर नहीं आएगा। एंड मेक श्योर आप जो है अपना हार्ड कॉपी जो भी आपके होंगे उसको जो है संभाल के रखिएगा। एंड फ्रेंड्स, ऐसा भी इग्नू ने नहीं कहा है कि आप जो है लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने असाइनमेंट ऑफलाइन सबमिट नहीं कर सकते, ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी अपने सर्विस सेंटर में जाके सबमिट नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंपलसरी नहीं है कि अब जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, अगर आप उसे ऑफलाइन भी कराना चाहते हैं तो लॉकडाउन के बाद जो है आप इसे ऑफलाइन भी सबमिट करा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, लखनऊ की जो है मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है रीजनल सेंटर की, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके जो है ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गाइडलाइंस लिखी हुई है आपकी, तो ये सिर्फ लखनऊ वाले स्टूडेंट्स के लिए है एंड उसके बाद आप नीचे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है आपके COVID-19 चलते लॉकडाउन के चलते अब जो है अपने ईमेल पे जो है ऑनलाइन ईमेल पे जो है ऑनलाइन अपने असाइनमेंट को जो है सबमिट कर सकते हैं, आपको हैंड रिटन असाइनमेंट की जो है ईमेल को साइन करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी जो है डेडिकेटेड ईमेल आईडी जो है इसके लिए क्रिएट की गई है, assignmentrclakhnau@gmail.com। सो आपको जो है इस ईमेल एड्रेस पे जो है मेल भेजना होगा। काफी से स्टूडेंट पूछ रहे थे ईमेल एड्रेस क्या होगा, सो ये देखिए यहाँ पे जो है आपका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको जो है पीडीएफ ओपन हो जाएंगी। तो देखिए यहीं पे से जो आपको अपना ईमेल जो है मिल जाएगा। सो ईमेल के बाद नीचे देख लीजिए कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई है, सबसे पहले तो आपको जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पता ही होगा ये आपकी वेबसाइट है जहां से आप जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आप जो है A4 साइज रूल्ड रूल यानी कि लाइन शीट का जो है यूज कर सकते हैं या फिर आप प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हैं जैसा आप चाहे, क्योंकि COVID-19 चलते साइज स्टेशनरीज बंद है, सो आप जो है A4 साइज अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है प्लेन पेपर पे भी अपने असाइनमेंट जो है लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कवर पेज पे जो है क्या क्या होना चाहिए, आपका नेम होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपका सर्विस सेंटर कोड होना चाहिए, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड होना चाहिए, कोर्स टाइटल एंड एड्रेस होना चाहिए, साथ में आपको मोबाइल नंबर भी लिखना है। सो ये सारी चीजें जो आपके फ्रंट पेज है, कवर पेज होता है आपका फ्रंट पेज, सो आपको फ्रंट पेज पे जो है सारी सारी चीजें लिखनी है। आप दोबारा देख लीजिए, नेम लिखना है आपको, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, सर्विस सेंटर कोड लिखना है, प्रोग्राम कोड लिखना है, कोर्स कोड लिखना है, कोर्स टाइटल लिखना है एंड आपको एड्रेस लिखना है अपना। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो है आपको दिखाया हुआ है किस तरह से जो आपको अपने असाइनमेंट को अरेंज करना है। सबसे पहले आपका कवर पेज आना चाहिए जो कि आपके नंबर 3 पॉइंट में लिखा हुआ था, जिसपे साइड साइड डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आना चाहिए, आप क्वेश्चन पेपर फर्स्ट नंबर पे से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे से, तो आप जो है क्वेश्चन पेपर को पूरा पूरा अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपका हैंड रिटन पीडीएफ होगा उसको जो आपको स्कैन करके पीडीएफ में बनाना होगा। उसके बाद देखिए नीचे और भी काफी सारी चीजें लिखी हुई है, जिसमें आपको 5th पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको जो है किस तरह से पीडीएफ का नेम लिखना है। सबसे पहले आपका आएगा एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद आएगा आपका अंडरस्कोर, उसके बाद प्रोग्राम कोड, फिर आपका आएगा कोर्स कोड। उसके नीचे देखिए आपको एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे कि आपका 9 डिजिट का यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, फिर आपका आएगा प्रोग्राम कोड, फॉर एग्जाम्पल बीए, फिर उसके बाद आएगा आपका कोर्स का कोड। सो आपको जो है इस तरह से अपने पीडीएफ का जो है नेम को फॉर्मेट करना होगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि आपको जो है कहाँ पे भेजना है, कि आपको ईमेल एड्रेस जो भी दी हुई है वो यहाँ पे दी हुई है, ऊपर भी दे रखी थी ईमेल आईडी एंड यहाँ पे भी आपको ईमेल आईडी दे रखी है। तो सिंपल है इतना। अगर आप लखनऊ में आना आप जो है चाहते हैं कि आप जो अपना ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करें, तो उसके लिए देखिए सारी सारी डिटेल जो है लिखी हुई है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।